हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। और दोस्तों, मैं आपको मेरा एक दूसरा चैनल है एसी इलेक्ट्रॉनिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप उस मेरे उस दूसरे चैनल को भी देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ जिसने मेरा वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ उसमें आपको ये मिलेगा, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो के संग उसका वायरिंग डायग्राम भी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ठीक है दोस्तों, वीडियो हम शुरू करें। ये इसमें चार स्विच हैं, दो सॉकेट, एक होल्डर। दोस्तों, इस स्विच से ये करूँगा, इस स्विच से मैं ये वाला करूँगा और एक स्विच से मैं ये होल्डर करूँगा, एक स्विच मेरा फ्री रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें चारों सॉकेटों में फेज दे देंगे। ठीक है दोस्तों, होल्डर मैंने पहले से ही न्यूट्रल फेज जोड़ दिया है, अब मुझे दोनों स्विचों में फेज देना है। और दोस्तों, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो आपको ये ज़रूर बताता हूं कि आप जब भी वायरिंग करें तो एक या डेढ़ एमएम से कम तार की वायरिंग ना करें, एक या डेढ़ एमएम के तार से कम की वायरिंग ना करें, जिससे कि बोर्ड भी, स्विच सॉकेट भी, जिससे कि आपके स्विच सॉकेट भी नहीं जलेंगे और बोर्ड तार भी नहीं जलेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने फेस दे दिया रेड कलर का और मैंने यहीं से उठा के फेस, ठीक है, दोनों स्विचों में दे दूँगा। दोस्तों, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको वायरिंग बताऊंगा जिससे आपको वायरिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, और आप इस बोर्ड की वायरिंग कर लेंगे तो कोई भी किसी भी तरह की बोर्ड की वायरिंग कर लेंगे। ये देखिए, फेस मैंने डायरेक्ट यहाँ दिया था, यहाँ से मैं उठाऊंगा, डायरेक्ट फेस दे दिया, मैं इस वाले स्विच को फेस दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मुझे करना यह है दोस्तों, ये देखिए, इस वाले स्विच से मैं इस वाले सॉकेट को फेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, मैंने दोनों से जो फेस दे दिया। अब मुझे दोस्तों ये करना है कि अब मुझे ये होल्डर जो है ये इस वाले स्विच से करना है, तो मैं होल्डर, इस वाले होल्डर को जो फेस दूंगा ऊपर वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से काट के, तो मैं ये, मैंने पहले तार जोड़ रखे थे, मैं इसको फेस दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मुझे दोस्तों करना ये है कि मुझे पूरे बोर्ड में जहाँ जहाँ न्यूट्रल देना है न्यूट्रल दूंगा मैं। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक कलर का मैंने न्यूट्रल ले लिया है, मैं दे इस वाले सॉकेट को न्यूट्रल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले सॉकेट को न्यूट्रल दूंगा और मुझे होल्डर को, ये जो होल्डर मैंने लगाया था इसको जो न्यूट्रल देना था, तो न्यूट्रल तार ये मैंने इसमें फेस इसमें जोड़ दिया था, न्यूट्रल ये है, तो मैं इसको इसी में जोड़ के न्यूट्रल दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मुझे करना ये है
मेरा एक स्विच जो है ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो उसमें मुझे करना ये है कि मुझे कोई भी बल्ब या पंखा या कुछ ये कनेक्शन करना है इस वाले स्विच से, तो मैं दोस्तों ये करूँगा। देखिए जो भी चीज़ का मैं कनेक्शन हुआ उसमें दो तार आएंगे, तो मैं फेस स्विच के ऊपर वाले फ्रंट से फेस काट के दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फेस मैं स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट के दे दूंगा बल्ब या पंखे किसी को। ये मेरा एक्स्ट्रा स्विच है। ठीक, अब मुझे करना ये है जो मुझे न्यूट्रल देना है इसको, इस वाले एक्स्ट्रा बल्ब होल्डर को अपने, तो मैंने जो न्यूट्रल दे रखा है यहाँ पर, मेरा न्यूट्रल आया है, कहीं पर भी न्यूट्रल आया हो वहाँ से न्यूट्रल उठा के दे दें। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार वायरिंग आपको फिर से समझा देता हूँ। ये देखिए मैंने ये देखिए मैंने फेस दिया रेड कलर का ये दोनों स्विचों पे, और यहीं से मैंने फेस उठा के ये देखिए इस वाले स्विच को दे दिया, और ये यहीं से उठा के मैंने इस वाले स्विच को दे दिया। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने इस वाले स्विच से फेस काट के सॉकेट को दिया, इस वाले स्विच से फेस काट के सॉकेट को दिया। अब मुझे दोस्तों इस वाले स्विच से मैंने ये होल्डर करना था, देखिए मैंने होल्डर दे दिया। ठीक है, मुझे न्यूट्रल देना था, ये मैंने न्यूट्रल दिया सॉकेट को, यहीं से इस वाले सॉकेट को दिया, और यहीं से न्यूट्रल उठा के मैंने ये होल्डर को दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये एक्स्ट्रा मेरा जो होल्डर था मुझे इससे बल्ब होल्डर करना था, या पंखा कोई भी चीज़ दो तार आते हैं, तो मैंने फेस दे दिया बल्ब होल्डर को। देखिए यहाँ से स्विच से काट के, ठीक है, और जो न्यूट्रल मैंने न्यूट्रल दे दिया। आइए दोस्तों मैं इसे चेक करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों बोर्ड में करंट आ चुका है, ये देखिए मैंने ये चल गया सर। ठीक, ये चल गया। ठीक है, अब दोस्तों ये वाला होल्डर चेक कर लेते हैं। ठीक, और ये इससे हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा था ये देखिए ये वाला हमारा ठीक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करो, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।